बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों वाला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो देख तो रहे होंगे आप कैसी हालत है और क्या कर रहे हैं। हाँ, दरवाज़े ख़राब थे, उनको थोड़ा बहुत पेंट कर रहे हैं जी। मैं वो काम कर रहा हूँ, दोस्त मेरा दिखाता है काम क्या कर रहे हैं। मुर्शिद साहब के कलर और इनके कलर में क्या फर्क है? है मुर्शिद? कोई नहीं फर्क इतना। रंग पर मेरे दोस्त को भी बड़ा शौक है ब्लॉगिंग का, ये वही आपको दिखा रहा है सब कुछ। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है सब। जी तो दोस्तों अभी अभी फारिग हुए हैं जी, दरवाज़ों को पेंट किया तो घर पे हैं। तो एक और काम याद आ गया। काम क्या था पीछे भी आपको दिखाते हैं। काम ये था कि मेरा पीसी जो है वो जल गया था। इसके जो प्रोसेसर है ये, इसके नीचे इसकी जो जगह बनी होती है वहाँ पे पिनें होती हैं, उन पिनों को मसला आ गया था कोई, तो इसकी वजह से ये ठीक नहीं हो सका। तो अभी मैं दोस्त के पास गया हूँ तो उसने कहा है पीसी मेरे पास एक पड़ा है। मैंने कहा कोई पीसी पड़ा है तो दे दो। उसने कहा है मेरे पास पड़ा है P4, तो वो मैं ले के आया हूँ। इसके अभी सेटिंग कर रहा हूँ जी। इसका जो प्रोसेसर है वो मैंने उतार दिया सारा। इसका प्रोसेसर निकाल के मैंने ये रखा है, ये P4 का प्रोसेसर था। तो मैंने सोचा इसको चेंज करके चेक करते हैं। तो इसके ऊपर P4 लिखा हुआ है और इसका जो प्रोसेसर है वो जी 42 था ये। तो इसका जो प्रोसेसर है वो 3 GHz है। तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये है जी प्रोसेसर इसका, ये 3 GHz का प्रोसेसर इसका। तो इसका जो प्रॉब्लम था, ये जो सी आपको पिनें दिखाई दे रही होंगी, ये इन पिनों में फॉल्ट आ गया था। कोई ये पिनें जो थी इसके अंदर फॉल्ट था जिसकी वजह से ऑन नहीं हुआ। तो अभी इसका मैं सारा माल निकालूंगा। ये फ़ैन है ये मैं निकाल चुका हूँ। इसका जो हीट सिंक था वो मैं निकाल के उधर रख दिया जी। उसके साथ मैं पेल्टियर लगाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है, रैमें लगी हुई हैं, ये एक ग्राफिक कार्ड भी है, इतना अच्छे वाला तो नहीं है लेकिन लगा हुआ है। उसके बाद सप्लाई है इसकी, अच्छी खासी सप्लाई है इसकी। और उसके बाद जो ये है सीडी रोम है एक, तो ये सब चीज़ें मैं इसके निकालूंगा और फिर इसको बेच दूंगा जी। तो अभी जल्दी से मैं इसका जो प्रोसेसर है ना एक दफ़ा वो चेंज करके चेक कर दूँगा जी। तो फ़िलहाल इसमें मैंने हार्ड डिस्क नहीं लगाई अपनी, इसमें विंडो नहीं है। तो विंडो करके तो फिर आपको चेक करवाया जाएगा। तो प्रोसेसर फ़िलहाल इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हार्ड डिस्क मैंने नहीं लगाई है ख़ुद, मेरे पास पड़ी थी। और इस हार्ड डिस्क के अंदर विंडो इंस्टॉल नहीं है,
तो पहले मैं इसको प्रोसेसर चेंज कर लूँ, उसके बाद फिर मैंने इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। तो इसका जो प्रोसेसर है वो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से जी। इसके भी आगे 3 GHz है, पेंटियम 4 है ये। तो इसकी जगह आज मैं एक और टेस्ट करने जा रहा हूँ जी। ये मेरे पास जो दूसरा पीसी था उसके अंदर से मैंने निकाला है कोर टीडीयू, ये भी 3 GHz का है। तो इसके अंदर ये फिट करके चेक करते हैं जी, आज एक टेस्ट भी हो जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा क्या है कि ये हमें चला सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो पीसी है ये वैसे भी तकरीबन इतना अच्छा नहीं है। तो इस वजह से अब इसके ऊपर मैं इसको पहले तो मैं लॉक कर देता हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर हम जो हीट सिंक होती है इसके नीचे एक लगती है जी ट्यूब नुमा, ये थोड़ी सी लगा देंगे तो बात रह जाएगी विंडो पे हमारी। तो विंडो की मैं सीडी तो ले के आया हूँ, एक सीडी जो थी वो मेरे से गुम हो गई है विंडो 7 की। तो एक विंडो एक्स भी मिली है मुझे और एक मुझे मिली है जी विंडो 8। तो दोनों को चेक कर लेते हैं कौन सी चलती है जी इसमें। तो इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मैं ये पेस्ट लगा लूँ, ये हीट सिंक पेस्ट होती है, मुझे याद आ गया जी इसका नाम। तो अब इसके ऊपर जो हीट सिंक है इसका वो लगाते हैं जी अच्छे तरीके से, इसके ऊपर बिठा के लगाएंगे ताकि ये सही तरीके से लग जाए। तो यहाँ पर हमने इसको टाइट करना है जी, तो एक पेज को ज़्यादा टाइट नहीं करना क्योंकि चारों तरफ से बराबर करना है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा सभी को पहले कर लेना है। तो उसके बाद फिर जो है जी आखिर में सबको अच्छे तरीके से एक दफ़ा टाइट करना है। तो जो इससे पहले मेरे पास पीसी था उसको भी मैंने इसी तरीके से एक प्रोसेसर चेंज किया था, तो वो चल तो गया था लेकिन उसका फॉल्ट एक और आ गया था जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया था। फॉल्ट आपको मैंने पीछे बताया, तो अब ये तो यहाँ पर हो चुका है फिट जी। तो सबसे पहले इसे करेंगे ऑन, क्योंकि हार्ड डिस्क नहीं है इसके अंदर, विंडो नहीं है, तो विंडो इसके अंदर करेंगे। तो दोस्त की गाड़ी आया हूँ वहाँ पर इसे चेक करने, तो ये यहाँ पर फिट हो चुका है अच्छे तरीके से। इसकी रैम जो है जी वो एक 2 GB है, एक 1 GB और एक 512 MB, ये इसकी रैम है जी। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं फ़िलहाल। तो अभी मैं इसको एक दफ़ा जो इसकी पावरें हैं वो लगा के इसको एक दफ़ा ऑन करके चेक करते हैं। तो पीसी जो है रेड लाइट इसकी ऑन हो रही है, तो ये इसका एक मसला है जो मुझे दोस्त ने बताया, अभी इसका ये एक मसला भी है। तो इसको मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ जी कि ऑन होता है या नहीं। तो सबसे पहले इसकी जो विंडो है वो करते हैं ना, क्योंकि उसके बाद ये सारा काम होगा। तो इसके कनेक्शन पता नहीं मेरे ख्याल में है या नहीं, अंदर से पोर्ट ऑन है, एक ग्रीन LED ग्लो कर रही है जी। यहाँ से आपको दिखा दूँ ये ऑन है जी, कनेक्शन पे इसके लगे हुए हैं जी, लेकिन ये DVD रोम जो है ये इसका कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो इधर कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो मसला ये था उसमें, एक तो हार्ड डिस्क नहीं थी उसके अंदर, जो थी वो विंडो वो भी नहीं थी। अभी दोस्त के पीसी के साथ अपनी हार्ड डिस्क अटैच की है और उसके साथ अभी
मैं विंडोज इंस्टॉल करूँ। विंडोज इंस्टॉल करने के बाद उसका एक और प्रॉब्लम भी है जी, ये पीछे ही पड़ा है मेरे पास मरीज़ अपना, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि एक रेड लाइट ऑन होती है, वो भी मसला हल करना है, उसके बाद चेक करते हैं जी। 87-92% हो गया जी, कुछ 5-7 मिनट हुए हैं, तो ये पीसी अच्छा है तो इस वजह से हो गई है जी जल्दी, तो 94-95 हो चुकी है। एक दफ़ा मुकम्मल हो और उसके बाद हम उसके अंदर लगाएंगे दूसरी पीसी के अंदर, फिर उसको चेक करेंगे जी। तो फाइनली जो हमारा पीसी वो ऑन हो चुका है, तो कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छा सा, ये ठीक है मेरे ख्याल में, और यहाँ कोई भी नाम लिख देते हैं जी, अपना नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट कर दिया जी। यूज एक्सप्रेस सेटिंग, पासवर्ड नहीं लगाना, अच्छा यूज़र नेम दे देते हैं जी, फिर दे देते हैं, कोई मसला नहीं, और नेक्स्ट चूज अ डिफरेंट यूज़र नेम, अच्छा ठीक है जी, तो ये भी हो चुका है जी, और फाइनलाइजिंग एंड हाई डेस्कटॉप आने वाला है जी, वाइल वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी चेक आउट द न्यू वे टू यूज़ विंडोज। तो ये हमें बता रहा है कि आपने विंडो किस तरीके से यूज़ करनी है। तो किसी भी कॉर्नर में हम लेके जाएंगे तो ये हमें ये बताएगा जी, ठीक है ना भाई, अब आगे चल जा चलाते रहें ये विंडो, ठीक है जी, लेट स्टार्ट। आ गया जी, और किधर गया माउस, डेस्कटॉप, ये आ चुकी है जी विंडो, हमारी विंडो हो चुकी है 8। उसके बाद अब निकाल लेते हैं ये हार्ड डिस्क, और यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो 8, जहाँ मेरा माउस है विंडो 8 प्रो, तो अब इसको करते हैं जी पीसी को टर्न ऑफ, और उसके बाद इधर से होगा यार, टर्न ऑफ करते हैं, बताइए टर्न ऑफ कहाँ से होगा यार, ये यहाँ से पावर शट डाउन। तो फाइनली जो है मैंने पीसी वो कर लिया है जी, उसके बाद इसकी जो रैमें हैं वो भी मैंने ठीक की हैं, उसके बाद ये रेड लाइट का मसला था वो आपको वीडियो में थोड़ा बहुत शो हुआ होगा, हार्ड डिस्क का भी वायर पड़ी है वो भी अंदर फिट करते हैं, उसके बाद ये अभी ऑन है, इसकी आपको मैं मेमोरी भी दिखा देता हूँ, और 3.50 GB इसकी है जी ये रैम, और जो इसकी है जी हार्ड ड्राइव वो भी दिखाता हूँ जी। और यहाँ पर है जी 232 GB, ये 250 GB होती है लेकिन वो पूरी हार्ड डिस्क नहीं होती है इस वजह से, तो ये हमारे पास एक, और ये विंडो और ये एक ड्राइव, तो ये भी मैं इसको मुकम्मल तरीके से बंद करके आपको दिखाना क्या है, जो ठीक होना था वो तो हो चुका है, तो मिलते हैं जी थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पीसी जो है वो मैंने सेट कर लिया है, उसके बाद दरवाज़ों को जो पेंट करना था वो भी हो चुका है, बिल्कुल थका हुआ हूँ, तो पीसी अभी पीछे ही पड़ा, अभी फुल सेटअप नहीं किया उसका, तो मेरे ख्याल में आज के लिए बहुत है जी, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा।